हमारे बीच में हैं देवेंद्र जी, जिन्हें बबलू के नाम से जाना जाता है और ये समाज सेवी हैं। और आज जो सीट यहाँ से जो वार्ड नंबर एक से जो चरण सिंह जी जीते हैं, इनके अच्छे एडवाइजर हैं। और बड़ा देखने की बात आई कि जब उनके पास ये लेटर आया शपथ ग्रहण का, तो सबसे पहले उन्होंने वो लेटर शपथ ग्रहण का जो एक विश्वास होता है, बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो सबसे पहले लेटर वो देवेंद्र उर्फ बबलू भाई को दिया। देवेंद्र जी, जो ये चरण सिंह जी जीते हैं और ये पहली बार चुनाव जीते हैं, तो आप लोग इनका किस तरीके से सहयोग दोगे? सहयोग इनका पूरी तरह रहेगा, बिल्कुल इनके हमेशा इनके साये के साथ हम साथ रहेंगे और जो भी काम है अच्छे कामों के लिए इन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और क्या नाम है, जितना भी विकास के लिए हमसे काम और इनका साथ दिया जाएगा, हम इनका साथ देंगे पूरी तरह, विकास की हमारी प्राथमिकता होगी। तो अभी क्षेत्र के अंदर जो सालनगर आया है, तो इसके अंदर क्या ऐसी वो कमियां हैं जो ये चरण सिंह जी को पूरी करनी है? कमियां हैं, काफ़ी कमियां हैं। पहले तो गाँव में जो हमारे इस वार्ड में, वार्ड नंबर एक में तीन गाँव हैं, मिलक और विकास नगर और सलाह नगर में क्या नाम है, अभी तीनों गाँव में मतलब पूरी तरह लाइट ना, तो लाइट है पूरी तरह खंभों पे और ना ही सड़कें, जहाँ ये जो है जो टाइल्स लगी हैं अभी पूरी तरह नहीं हो पाई, 100% नहीं हो पाया है, लगभग है 75%। तो हम सोचेंगे, हमारी कोशिश रहेगी चरण भाई से कराने की, इनको 100% किया जाए। और कॉलोनी में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है इस, तो कॉलोनी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, कॉलोनियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और जो जहाँ लाइट नहीं है और सफाई की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था भी बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसलिए सफाई के साथ भी अब जब से क्या नाम है चरण भाई जीत कर आए हैं, सफाई वाले जो लड़के और जो एक लेडी जा रही हैं उनके साथ बराबर गांव में जा रहे हैं, उनको सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है इस वार्ड का। तो जैसे कि अभी योगी सरकार चल रही है और योगी सरकार के तहत जो पैसा आना है जो क्षेत्र में लगाने के लिए, क्या वो आपको टाइम पे मिलता रहेगा? देखो, पहली बार सभासद बने हमारे चरण भाई, अभी हमें इन सब चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं है कि टाइम पर मिलता रहेगा, पर आशा करते हैं जो हमारे चेयरमैन साहब है बहुत अच्छे हैं, मनोज धामा जी, बहुत अच्छी आदत है उनकी, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं वो, तो ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट करेंगे हमारे वार्ड को। और हमें ऐसा नहीं है कि ये चरण भाई BSP से हैं और वो चेयरमैन BJP से हैं, तो ऐसा नहीं है, वो मिलकर चलने वाले हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलनसार सज्जन आदमी। बहुत अच्छी बात कही कि वो BJP से हैं तो क्या है, लेकिन दोनों जब एक ही वो यहाँ के चेयरमैन हैं और यहाँ के और पार्षद हैं और सभासद हैं, तो एक दूसरे मिलके ही काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर कुन्नालाल है। मास्टर कुन्नालाल जी, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी गांव में रहता हूँ। इसी गांव में रहते हैं। जो ये अभी ये चरण सिंह जी जीते हैं, तो इनका व्यवहार कैसा है आम जनता के प्रति? आम जनता के लिए इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और मिलनसार है, जगह जगह पर जहाँ भी जाते हैं अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। तो आप इनका किस तरीके से सहयोग देंगे आप? हम इनका हर तरह से सहयोग समाज में देने के लिए तैयार हैं, जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है हम जाने के लिए तैयार हैं, लोगों के बीच में जाकर इन्हें आश्वासन देंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन करने के साथ साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।